सनातन धर्म और सनातन दर्शन क्या है ये हम सब ने जाना। आइए स्वामी जी और आचार्य जी के साथ पता करते हैं कि हिंदू धर्म क्या है। आचार्य जी शास्त्रों के अनुसार प्लीज बताएं हिंदू धर्म क्या है। स्वाभाविक है कि जब पाश्चात्य सोच आई, ब्रिटिशर्स आए, तो ऑब्वियसली रिलीजन शब्द तब आया। उससे पहले भी जब भारतवर्ष के अंतर्गत सेमेटिक अन्य जो सामी धर्म है जैसे इस्लाम है वो आया, उससे पहले भी कहते हैं कुछ लोगों का मानना है कि ईसाई धर्म सेंट थॉमस के साथ ही भारतवर्ष के अंतर्गत आ गया था। तो सामी धर्म जिनको आज सामी धर्म कहते हैं सेमेटिक रिलीजन्स, उनके अंतर्गत एक क्लियर कॉन्सेप्ट है रिलीजन को लेके। तो जब वो विचारधाराएं भारतवर्ष के अंतर्गत आई और एसिमिलेट हुई भारतवर्ष के अंतर्गत, तो यहाँ पर भी लोगों को, और ये समस्या केवल भारत की नहीं रही, ये मुझे लगता है पूर्व की ओर जितने भी देश हैं उन सभी देशों के अंतर्गत ये समस्या। मैंने अपने चीनी मित्रों से बात की है तो उनसे मैंने पूछा कि आपके यहाँ रिलीजन के लिए क्या शब्द है, तो एक्चुअली कोई शब्द है नहीं उनके यहाँ, चुना हुआ शब्द है जिसका पहले कुछ और अर्थ होता था। इसी तरीके से अगर मलेशियन इंडोनेशियन भाषाओं में देखें तो आगम शब्द संस्कृत का बहुत प्राचीन शब्द है, उसका अर्थ होता है गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त ज्ञान। रिलीजन के साथ उसका कहीं कोई संबंध नहीं है, लेकिन आज इंडोनेशिया मलेशिया इत्यादि सभी देशों में रिलीजन के लिए उसी शब्द का प्रयोग हो रहा है। तो ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, भारतीय सभी भाषाओं की समस्या नहीं, बल्कि पूर्व की ओर जितने भी देश हैं सभी की ये समस्या है कि रिलीजन एज ए कॉन्सेप्ट डिड नॉट ओरिजिनली एग्जिस्ट देयर। जब आया, पश्चिम से आया, तो फिर उसके लिए अपनी भाषाओं में शब्द ढूंढने की जरूरत महसूस हुई, तब भारत के अंतर्गत धर्म शब्द चुना गया। जो भारत के अंतर्गत वैदिक परंपरा वाले थे उनको भी एक अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी पड़ी, और उसके लिए उन्होंने संस्कृत में सनातन धर्म शब्द चुना, जिसका बहुत ही मूल रूप से तो बहुत ही भिन्न अर्थ था, लेकिन एज ए रिलीजियस आइडेंटिटी मुझे लगता है 17वीं-18वीं शताब्दी में जाकर ये हुआ। दूसरा, हिंदू शब्द भी काफ़ी प्रसिद्ध था। पहले तो मुगलों के समय में पर्शियन भाषा भारतवर्ष की एक किस्म से राजकीय शासकीय भाषा होती थी, तो उस भाषा के अंतर्गत भारतीय को, जिसको आज अंग्रेजी में आप इंडियन कह सकते हैं, उसको पर्शियन भाषा में हिंदू कह देते थे। तो और मैंने जब इस शब्द की और खोजबीन करने की कोशिश की तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि सामान्यतः किसी भी हिंदू धर्मशास्त्र के अंतर्गत ये शब्द है नहीं, मुझे मिला नहीं, हो सकता है अगर कोई मुझे ढूंढने में सहायता करे तो। लेकिन रामचरितमानस तक के अंतर्गत भी, जो 15वीं शताब्दी का आज हिंदी का ग्रंथ है, अवधि भाषा का ग्रंथ है, घर घर के अंतर्गत रखा हुआ है उत्तर भारत में, लेकिन मुझे कहीं उसमें हिंदू शब्द मिला नहीं। है तो गुरु ग्रंथ साहब के अंतर्गत हिंदू शब्द है, पर वहां पर भी हिंदू और तुर्क ऐसे करके उन्होंने भेद किया है। दोनों की दोनों क्लियरली जियोग्राफिकल आइडेंटिटीज हैं, भौगोलिक परिचय है। तुर्क यानी टर्की इत्यादि देशों के जो लोग हैं उनके लिए तुर्क शब्द का प्रयोग कर दिया, भारत के लोगों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग कर दिया। तो क्लियरली इट्स जियोग्राफिकल आइडेंटिटी, सिंधु नदी के पार का जो देश है वहाँ पर जो रहते हैं वो हिंदू है, और वहाँ सामान्य रूप से जो धर्म जो विचारधारा प्रचलित है उसके लिए हिंदू धर्म शब्द का प्रयोग कर देते हैं, तो उसमें सभी कुछ आ जाता है। जितनी भी वैदिक परंपराओं को मानने वाली, जितनी भी वेदों को प्रामाणिक स्वीकार करने वाली, वेदों को सम्मान देने वाली जितनी भी परंपराएं हैं वो सब हिंदू धर्म के अंतर्गत आ जाती हैं, लेकिन ये कोई संस्कृत का शब्द। सो सिंधु नदी के इस पार रहने वाले लोग जिनकी विचारधाराएं मान्यताएं अलग थी, जो सनातन दर्शन से बहुत प्रेरित थे, जिनके मूल वेद और उपनिषद थे, जो वैदिक विचारों को बहुत सम्मान करते थे, इन्होंने अपना अलग पहचान बनाने के लिए कहा कि हम हिंदू हैं। इन्होंने कहा कि हम हिंदू धर्म के हैं। ये हिंदू धर्म एक व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का
व्यवस्था का क्या कहते हैं प्रयोजन ही यह है कि मनुष्य का जीवन सफल बने, और सफल तो तब होगा कि जब मनुष्य अपनी उन्नति कर पाए, और केवल एक मनुष्य नहीं, केवल एक समुदाय नहीं, केवल एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ही बात नहीं, केवल एक कालखंड में रहने वाले ही लोगों की बात नहीं, तो समूचे मानवता की ही ये बात है। और जब मेरे व्यवहार से नहीं केवल मैं अपनी उन्नति कर पाऊं, परंतु मैं अपने व्यवहार से इस दुनिया में भी, इस जगत में भी सुख का विस्तार करूं, ये वो व्यवस्था है, ये वो व्यवस्था है। अब जिसे आज जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, वो इसी सनातन धर्म का ही एक यही क्या कहते हैं एक विशेष रूप मान लीजिए कि ये इस कलयुग में अथवा इस कालखंड में जिन मूल्यों को और जिस व्यवस्था को, जिस वैदिक धर्म को अथवा सनातन धर्म को एक व्यावहारिक रूप मिला है, जो आज जैसे आज आप जिस प्रकार का पहराव कर रहे हैं, जिस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, आपके क्या कहते हैं समाज के ढांचा में भी काफी बदल आया है, तो इन मूल्यों को वैसे के वैसे ही रखते हुए जब क्या कहते हैं आज के समय में हमें जो धर्म की उपलब्धि हो रही है, हम उसी को हिंदू धर्म बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सनातन धर्म और हिंदू कुछ भिन्न है ये हम नहीं कह सकते हैं। कुछ नई धारणाएं भी इसके अंतर्गत आ गई है। इसके लिए एक उदाहरण के तौर पर हम ये कहेंगे कि जैसे कोई नदी अपने पर्वत शिखर से निकलती है, चोटी से निकलती है, बहते सागर तक चली जाती है, और बहते बहते नदी का स्वरूप जो सागर क्या कहते हैं पर्वत के चोटी पे था, तो वो एक बिल्कुल पतली सी नन्ही सी धारा थी, और बहते बहते ऐसी विशालकाय धारा हो जाती है कि जिसमें बड़े बड़े जहाज भी चल सकते हैं। जहां एक छोटा सा पत्ता बह रहा था, वो भी बड़ी मुश्किल से आज वहां पे उसी नदी में, परंतु नदी में आकर के मिलने वाले अनेक सारे ट्रिब्यूटरीज, नदी के बाकी धाराएं आकर के मिलती है, नदी का स्वरूप बदलता जाता है। वैसे ही आज उसी सनातन धर्म का ही ये स्वरूप हमको प्राप्त हो रहा है जिसको हम हिंदू धर्म कह रहे हैं। So, स्वामी जी, अगर मैं अपनी छोटी सोच के साथ अगर ऐसा एक वाक्य कहूं कि सनातन धर्म के जो बड़े बड़े मूल्य हैं वो हिंदू धर्म में मौजूद हैं, होंगे ही, होने ही चाहिए। हाँ, होने भी चाहिए। So, भारतवर्ष बहुत विशाल है, हमारे यहाँ अलग अलग तौर तरीके, मान्यताएं, विश्वास, इन सबको एकत्रित करके एक ही पहलू में डाल देना, एक ही धर्म में, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दूसरे रिलीजन में बहुत फिक्स्ड रूल्स हैं। हिंदू सभ्यता, भारतीय सभ्यता में ऐसा नहीं है। हमारी सभ्यता विशाल है और ओवरफ्लोइंग है, ये बढ़ते रहती है, बदलते रहती है, जो अच्छा है वैसे बदलते रहती है। पर हमारे मूल्य सनातन दर्शन के हैं, हमारे मूल्य मानवता के हैं, इंसानियत के हैं।